जब आप किसी के मरने में जाते हैं और जब उसकी अर्थी घर से निकलती है, तो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस की होगी, उस मरे हुए आदमी के ऊपर, अर्थी के ऊपर ना कुछ चीजें फेंकी जाती हैं। देखा आपने कभी क्या फेंका जाता है? पैसे, हाँ या ना? मुर्दे के ऊपर शमशान ले जाते समय उसके ऊपर क्या फेंका जाता है? पैसा। कभी आपने सोचा है कि मुर्दे के ऊपर पैसा क्यों फेंका जाता है? हमारे हिंदू धर्म में हर कार्य के पीछे कोई कारण है, ऐसे नहीं हम लोग हवा में लाठियां नहीं मार रहे। मुर्दे के ऊपर पैसा फेंका इसलिए जाता है कि दुनिया वालों तुम देख लो, ये जो मरा पड़ा है ना अर्थी पे, सारी जिंदगी पैसा पैसा करता था, पैसों के लिए पत्नी से लड़ता था, पैसों के लिए बाप से लड़ता था, पैसों के लिए लड़ता मरता रहता था, पैसा पैसा करता था। आज फेंक रहे हैं इसके ऊपर पैसे, तेरी दम है तो उठा ले, एक रुपया भी नहीं उठा सकता तू। जो आदमी एक रुपया नहीं उठा सकता, वो पैसे के लिए रिश्ते खराब करता है। पैसे तो आएंगे जाएंगे मेरी माँ, पैसों के चक्कर में रिश्ते ना बिगाड़ा करो। ये शिक्षा मिल रही है मुर्दे से। पैसे के लिए लोग लड़ते हैं कि नहीं? बाप को मार देते हैं लोग पैसे के लिए। धर्म बिगाड़ रहे हो, बाप पे हाथ उठाना ये कितना बड़ा पाप है, पिता पे हाथ उठाना, पैसों के लिए अपनी माँ को मारना, पैसे के लिए अपने भाई को मारना, ये कहाँ का न्याय है? अब तुम मर पड़े तो हो चिता पे, अर्थी पे उठा लो, एक रुपया उठा सको, तुम में दम हो तो उठा लो। उठा नहीं पाएगा एक रुपए, लेकिन हाय पैसा पैसा पैसा, ले जा बांध के, कुछ तेरे बाप दादे ले गए, कुछ तू ले जा। मरता है पैसे के लिए, लड़ता है पैसे के लिए, पैसा पैसा करता है। अरे पैसा जिंदगी चलाने के लिए ठीक है, जरूरतों के लिए ठीक है, पैसों के लिए रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बोलो क्या कहते हैं आप? बिगाड़ना चाहिए? मुर्दे के ऊपर पैसा फेंका इसलिए जाता है कि दुनिया वालों देख लो, ये कल तक एक एक रुपए के लिए मर रहा था और अब सैकड़ों इसके ऊपर पड़े हैं, नहीं उठा सकता। पहली चीज पैसा। एक चीज और फेंकी जाती है मुर्दे के ऊपर, बताओ क्या? क्या? मखाना, मुरमुरा। कहीं मखाना, कहीं वो चावल का ना, वो जिसे वो आप लोग वो खाते भी हैं, भेल पूरी कुछ कहते हैं, भगवान जाने क्या, हमारे यहां मुरमुरा कहते हैं, अब आप जानो ना जानो। मखाना भी होता है, मखाना अलग चीज है, मखाना कमल के दानों से बनता है और जो मुरमुरा है वो चावल से बनता है, अर्थात धान से, ठीक है। दोनों का स्वभाव एक है, दोनों फूले हुए होते हैं। आप मखाने में पांव रख देंगे तो पिचक जाएगा और मुरमुरा में भी पांव रख देंगे तो पिचक जाएगा, है ना? क्या संदेश मिला मखाने और मुरमुरा से? यही मैसेज मिला कि ये जो आदमी मरा पड़ा है ना, कल तक मखाने की तरह फूला फूला घूमता था, मैं ये मुझे नहीं जानता, मैं ये हूं, बड़े बाप की औलाद हूं, ये हूं वो हूं, अब पड़ा है पिचक गया मखाने की तरह, कहां गई तेरी अकड़, बड़ा घूमता था फूला फूला। जैसे ये पिचक गया ना, तुम भी एक दिन पिचक जाओगे, तुम्हारी ये अकड़ एक दिन पिचक जाएगी। ज्यादा गर्मी ना दिखाओ, ज्यादा अभिमानी ना बनो, इंसानों की तरह जीवन जियो। धन दौलत जरा दे दी भगवान ने तो तुम उसकी अकड़ दिखाओगे? अकड़ रावण जैसों की नहीं चली, जिनकी लंका सोने की थी, तुम्हारी कितने दिन चलेगी?